कॉफ़ी वगैरह हो गए, फिर वो हंसी मजाक मस्ती मस्ती करते करते डबिंग रूम में गए, बोले कि पहले एक ये कैरेक्टर बताया उन्होंने कि ये है, तो मैंने ओके, तो मैंने ये गुरु का एक कैरेक्टर, उसको एक कैरेक्टर ऐसे पंजाबी टोन दे करके, बिकॉज इंडियनाइज करना था, वो करके एक डब कर दिया। उसके बाद हंसते हंसते बोले कि दूसरा वाला भी है जिसका दूसरा भाई है, वो भी तुम ही करो। तो ऐसे हो गया, अच्छा दो कैरेक्टर है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिसाइड किए कि क्या देना, तो थोड़ा सा लखनवी टोन दे करके वो किए। फिर मुझे लगा कि नहीं 100% कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, मुझे बोलेंगे कि नहीं आप सेलेक्ट नहीं हुए। खुशी खुशी मैं आ गया था। 3 दिन के बाद उनका आया कि नहीं और ऑन, और मज़ा आ गया बिल्कुल ये वो। और 3 दिन में जो स्पीड में तुमने किया था, 3 दिन में तुम्हारी पूरी डबिंग हो जाएगी। और जब शुरू किए तो 3 दिन नहीं, तो मेरे ख्याल से करीबन 7 दिन लग गए इसको करते करते, बिकॉज जो वो पंजाबी वाला जो कैरेक्टर है, वो जो उसको थोड़ा सा बेसी वॉइस देते हो जी क्या हाल है, तो वो जब 10वें लाइन तक का तो जी क्या हाल है ऐसे हो जाते थे बिल्कुल वो, तो थोड़ा सा गैप दे 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 के करना पड़ा। लेकिन मज़ा आया, मज़ा बहुत इसलिए आया क्योंकि एक तो एज एन एक्टर आपके लिए बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ये, यू नो, कि हम लिप सिंक करते हैं कोई एक्टर के लिए जब डब करते हैं, या खुद की डबिंग हम फिल्म में करते हैं, या टेलीविज़न में जब आउटडोर करते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको मैच करते हैं, तो वो बहुत आपको भारी पड़ जाती है खुद के, यू नो, एक तो वो जिस मूड में, जिस टोन में, जिस वेरिएशन में आपने वहाँ कहा है उसको आपको मैच करना है, और जब कोई आप किसी और एक्टर के लिए डब कर रहे हो तो उस मूड को मद्देनज़र रखते हुए आपको मूड बना के वो देना। ये तो एनिमेटेड है, एक तो एनिमेटेड है वो, हाउ आर यू, है ना, वो उतने मीटर में ही आपको हिंदी में उस चीज़ को लाना है, उस मीटर को ले आना है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक एक्सरसाइज है जो वो आप हर एक एक्टर के लिए, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज था ये, क्योंकि अरसों बाद एक मर्द की आवाज़ में मैं डब कर रहा था, तो करीबन 4 साल हो गए थे ये कैसे हो यही कर रहा हूँ मैं, तो आई होप जो कुछ भी किया हो मैं वो अच्छा हो, और ये इसका 4th भी आ जाए, 5th भी आ जाए, तो मज़ा आ गया मेरे को करके ना। इनफैक्ट इट्स एन एक्सरसाइज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई को एक्टर्स कलीग्स जितने भी हैं उनको भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर करें। जैसे आपने बताया कि 4 साल से वो आवाज़ की प्रैक्टिस कर रही थी, अब कितना मिस कर रहे हैं आपका? नहीं हुआ फ्रैंकली, पर कभी कभी आपको कुछ ऐसे ऐसे मोड़ पे आप आ जाते हो जो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, एंड आई मिस द शो, आई डेफिनेटली मिस दैट स्टेज, आई मिस दैट, वी हैव वर्क टुगेदर एंड इट्स अ टीम ग्रुप था, बिल्कुल सब कुछ था, पर ऐसा एक सिचुएशन आ गई जहाँ प्रोफेशनली एज अ करियर वाइज मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटिव डिफरेंसेस पे मैं मूव आउट हुआ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मुझे क्रिएटिवली मुझे लगा कि नहीं कैरेक्टर्स नॉट गोइंग एनीवेयर, वो स्टैग्नेंट है, एंड उसमें इम्प्रूवमेंट कहीं ऐसे दिख नहीं रहा था, तो आई टुक अ स्टेप एंड वो वन ऑफ इवेंट है वो, एंड वॉज बहुत मज़ा आया, एंड सलमान भाई हैट्स ऑफ टू हिम, सो सॉरी हाँ, मतलब जितनी तारीफ सलमान भाई की करूँ, सोहेल भाई वॉज वेरी वॉर्म, सोहेल भाई बहुत मस्ती किए उन्होंने भी वहाँ पर, एंड जब ये है तो फिर धमाल होना ही है, दोनों भाई थे एंड अच्छे, हमारे गैग्स भी अच्छे थे, इट वेंट ऑफ वेल एंड आई होप लोगों को अच्छा लगे। क्रिएटिवली फ्रैंकली मुझे अभी तक ऐसे क्रिएटिव लॉक नहीं हुआ है, क्रिएटिव लॉक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको तो पता है काम जब तक शूट नहीं हो जाता और एक टेलीकास्ट डेट आपको नहीं मिल जाता तब तक चीज़ें बयान करने के लायक नहीं है, वो होती है बिल्कुल, तो अभी देर इज़ स्टिल टाइम, पर वी आर वर्किंग ऑन इट डेफिनेटली, पीपल विल गेट ऑल ऑफ अस टू सी, मतलब टू सी ऑल ऑफ अस अगेन। आपने
फिर एक बार कपिल का काम करना चाहेंगे आप? अरे भाई ये क्रिएटिव डिफरेंस पे हुआ है, हमारी थोड़ी कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है या ऐसी कोई बात वो नहीं है कि अरे मैं आज के बाद नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आई हैव लर्न्ड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, उसकी टाइमिंग और सब कुछ। हम यू नो देर आर गुड मेमोरीज, ऐसी नहीं है कि कुछ बहुत झगड़ा हो गया है या वो हो गया है, बात नहीं करेंगे। मैंने कहा क्रिएटिव डिफरेंस मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि नहीं, कैरेक्टर में ग्रोथ नहीं है कहीं पर, तो आई जस्ट मूव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।